हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम की एकदम नई रेसिपी, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो उसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम की रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है 3 कच्चे आम। इसको हमने अच्छे से धुल लिया है और इसका पानी हमने पोंछ लिया है। अब हम चाकू से आम के ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम आम के ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेंगे। तो हम सभी आम के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस तरह से एक एक करके कच्चे आम को डाल देंगे। हमने आम को कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे और आम को हम पकने देंगे। देखिए एक साइड से हमारा आम पक गया है। अब इसको हम पलट देंगे। आम को हम दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक बात याद दिलाना, देखिए यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आम हमारे पक गए हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आम को हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे। देखिए हमने आम को टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया है। आम को हम ठंडा होने देंगे। आम हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। जो एक्स्ट्रा तेल है उसको हम अच्छे से टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम टिश्यू पेपर से आम को पोंछ लेंगे। आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से हम आम को पोंछ लेंगे। सभी आम को इसी तरह से हम साफ कर लेंगे। एक्स्ट्रा तेल को हम अच्छे से साफ करके निकाल लेंगे टिश्यू पेपर से। देखिए इस तरह से हमने सभी आम को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम आम का छिलका निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आम का छिलका निकाल लेंगे। इसकी गुठली को हम अलग कर लेंगे। आम की गुठली को हम अलग कर लेंगे। अब हम छिलके में से आम का पल्प निकाल लेंगे। तो इस तरह से चम्मच से हम छिलके में से पल्प निकालेंगे। चम्मच से छिलके में से जो पल्प है वो आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से आप चम्मच से छिलके में से पल्प को निकाल लीजिए। छिलके को हम साफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से आप छिलके में से पल्प को निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से छिलका हमारा कितना साफ हो गया। आम कितना अच्छा पका है आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे आम को भी छील लेंगे। तो पहले हम आम का छिलका निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आम का छिलका निकाल लेंगे। तो गुठली को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम चम्मच से छिलके को साफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो पल्प है आम का उसको हम चम्मच से निकाल लेंगे। तो इस तरह से चम्मच से निकालने से आसानी से पल्प निकल जाता है। तभी आम को हम इसी तरह से छील लेंगे। पहले हम आम का छिलका निकालेंगे, गुठली को हम अलग रखेंगे, छिलके को हम अच्छे से चम्मच से साफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से आम का पल्प हमने निकाल लिया, इसको हम साइड में रखेंगे। रेसिपी बनाने के लिए हम खड़े मसाले लेंगे। तो एक कटोरी लेंगे, कटोरी में हम धनिया डालेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून कलौंजी डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, इसको साइड में रखेंगे। सूखे मसाले में हमने लिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा कम होता है इससे कलर अच्छा आएगा, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। यदि आप काला नमक नहीं खाना चाहते तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है गुड़। गुड़ को हम चाकू से देखिए इस तरह से काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। यदि आप चाकू से नहीं काटना चाहते तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। यदि आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच चीनी। आप इस रेसिपी को सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह गुड़ चीनी दोनों ले सकते हैं। तो हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने आम के हिसाब से ले लें। यदि आपका आम ज़्यादा खट्टा है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो गया है। जो हमने खड़े मसाले बना के रखे थे उसको हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से मसाले को हम पकने देंगे। तो मसाले हमारे पक गए हैं। अब इसमें हमने जो आम का पल्प निकाल के रखा था वो डाल देंगे और मसाले के साथ हम भून लेंगे। आम पहले से फ्राई किया हुआ है तो आम को ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, बस हमें मसाले के साथ भून लेना है। जो मसाले की खुशबू है वो आम में आ जाए, हमें आम को उतना ही पकाना है। तो हम लगातार चलाते हुए आम को
भून लेंगे मसाले के साथ। हमने आम को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़ और चीनी, अच्छे से मिला देंगे। तो लगातार चलाते रहिए, लगातार चलाते हुए इसे हम मिला देंगे। देखिए इस तरह से। इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो हम लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें जो मसाले बना के रखे थे वो डाल देंगे। देखिए इस तरह से मसाले को हम अच्छे से आम के साथ पकाएंगे। लगातार चलाते हुए हम मसाले को पका लेंगे। देखिए इस तरह से लगातार चलाते रहिए। और मसाला हमारा जब पक जाएगा तब इसमें हम पानी डालेंगे। तो ये मसाला हमारा ये पका नहीं है, अभी 2 मिनट हम और पका लेंगे। इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। पानी हमें अभी थोड़ा कम लग रहा है, 1 कप पानी हम और डाल देंगे। तो हमने 1 कप पानी और डाल दिया, इसमें मिला देंगे। इसे हम ढक कर 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आइए अपनी हम सब्जी चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी पक गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है। देखिए जो आम की गुठली है वो भी कितनी अच्छी पक गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है। हमारे चटपटी खट्टी मीठी आम की सब्जी बन के तैयार है। इसे आप पूड़ी पराठे रोटी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स आपको फिर से याद दिला दें, यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्जी के ऊपर आप धनिया पत्ता थोड़ा जरूर डाल दें। आम की खट्टी मीठी सब्जी बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।